आइए दोस्तों अब देखते हैं इस फ़ोन का टेम्परेचर प्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं इस पर अनटूटू बेंचमार्क को रन करके इसका टेम्परेचर मॉनिटर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो डिस्प्ले का टेम्परेचर है ड्यूरिंग दिस रनअप ये 40.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दोस्तों मैं इसको अगर अपने इस हीट गन से मेजर करूँ तो यहाँ पर 35 दिखा रहा है, जबकि थर्मल इमेजिंग कैमरा बता रहा है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस के करीबन गर्म है और जो टेम्परेचर है ये अब 41.6 हो गया है। और दोस्तों नीचे से देखा जाए जहाँ पर डिस्प्ले LEDs लगी हुई हैं वहाँ का टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन यहाँ से गर्म हो रहा है। आइए आप पीछे का टेम्परेचर देख लेते हैं। तो पीछे की बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों 42.4 है। ये फ़ोन स्पेशली कहा जाए इस एरिया से जहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है वहाँ से गर्म हो रहा है और वहाँ का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अनटूटू जब इस फ़ोन पर चल रही है, मतलब कि अगर इस फ़ोन पर हैवी टास्किंग आप करते हो तो ये फ़ोन यहाँ से गर्म होता है, टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है 42 हो रहा है, जबकि एक स्पॉट यहाँ पर बन रहा है जहाँ का टेम्परेचर 43.5-44 हो जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये फ़ोन गर्म हो रहा है। तो अनटूटू तो दोस्तों इस फ़ोन को गर्म कर ही रही है। आइए अब चेक करते हैं कि गेमिंग के दौरान ये फ़ोन कितना गर्म होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं गेमिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और कुल मिला के मैं करूँगा 10 या 15 मिनट की गेमिंग और फिर देखेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज करता है। तो यहाँ पर दोस्तों गेमिंग करते करते 14.5 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कि गेमिंग के बाद जो डिस्प्ले का टेम्परेचर है वो 39.4 या 5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और यहाँ पर जहाँ पर डिस्प्ले LEDs हैं वहाँ का टेम्परेचर है 42 या 43 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि दोस्तों अनटूटू के टाइम पर जितना गर्म हुआ था उतना गर्म नहीं होता है ये फ़ोन गेमिंग के दौरान। और देख सकते हैं कि जो पीछे बॉडी का टेम्परेचर है वो अब 40.8 या फिर 41 डिग्री सेल्सियस है, जो कि दोस्तों अगेन अनटूटू के मुकाबले कम है। और जहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर है वहाँ का टेम्परेचर पहले 43-44 था, अब है दोस्तों 41.7। तो नो डाउट ये फ़ोन गेमिंग के दौरान उतना गर्म नहीं होता है जितना कि अनटूटू के दौरान गर्म हो रहा था।